नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं लाया हूँ आपके लिए लेक्स प्योर फिल्टर के क्वालिटी चेक की एक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि इसमें कैसी क्वालिटी है और इसके अंदर कंपनी ने क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका ये वीडियो। तो सबसे पहले हम यूज़ कट करेंगे कार्बन फिल्टर को। ये हमारे पास तीन फिल्टर हैं, मैंने इनको एक साल पहले परचेज किया था ऑनलाइन और अभी मैंने चेंज किया है। लेक्स प्योर के ही फिल्टर मैंने दोबारा इसमें आरओ में यूज़ किए हैं और मुझे इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि जो पानी का टेस्ट है काफ़ी अच्छा हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले पोस्ट कार्बन फिल्टर। हमारे पास तीन फिल्टर हैं, पोस्ट कार्बन फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर और यूएफ मेम्ब्रेन, तीनों ही लेक्स प्योर के हैं। और अभी मैं शुरू करता हूँ कार्बन फिल्टर से। कार्बन फिल्टर कट करके दिखाते हूँ आपको कि पहले मैंने पोस्ट कार्बन फिल्टर को मैंने कट किया है और अभी मैं इसको सेडिमेंट को भी कट करूँगा। फिर मैं आपको सेडिमेंट और यूएफ मेम्ब्रेन इन दोनों को और कट करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इन तीनों के अंदर क्या है और कैसी क्वालिटी है। तो मैं इनको कट कर रहा हूँ। अब हमने इसको कट कर लिया है सेडिमेंट फिल्टर को और इसके अंदर हमने ये कट किया और अंदर से ये निकला है लॉक। सेडिमेंट फिल्टर के अंदर जो निकल रहा है वो ये निकला है, क्योंकि ये यूज्ड है इसलिए आपको दिख रहा होगा ये ब्राउनिश है कलर इसका। लेकिन ब्राउनिश इसलिए है क्योंकि इसमें मड वगैरह जो है घुसी हुई है और इसके वजह से ब्लॉक हो चुका है इसमें। ये आप इसकी क्वालिटी को देखेंगे तो बहुत हैवी क्वालिटी है। अदर फिल्टर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है जो आपने शायद देखी हो, तो अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसमें जो सेडिमेंट फिल्टर है उसमें बहुत ही हल्की क्वालिटी का फिल्टर यूज़ किया है, जिससे नाम मात्र की फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना हैवी क्वालिटी यूज़ की हुई है। जो फिल्टर है इसमें पेपर फिल्टर पेपर जो यूज़ किया, इसकी लेयर देखिए आप, इसकी थिकनेस देखिए, तो थिकनेस भी काफ़ी है। इसीलिए फिल्टर जो क्वालिटी में मैं ये कहूँगा लेक्स प्योर की, अगर आप एक्वागार्ड और आपका ये लेक्स लिप्योर का या किसी भी कंपनी का आप देखेंगे तो लगभग इनके फिल्टर एक जैसे होंगे, लेक्स प्योर जैसे ही। तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, ये रीजनेबल प्राइस में है, क्योंकि और कंपनी में के अगर आप फिल्टर देखेंगे तो काफ़ी महंगे मिलेंगे और मार्केट में भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। मैंने ऑनलाइन परचेज किया था फ्लिपकार्ट से और मुझे उस टाइम ये ओनली 350 का अराउंड मिला था, लेकिन अब मैंने दोबारा ऑर्डर किया है जो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ और वो मुझे 550 के पड़े हैं। तीन फिल्टर, सेडिमेंट, पोस्ट कार्बन, प्री कार्बन फिल्टर। तो अभी मैं आपको अब दिखाऊंगा लेक्स प्योर के ही यूएफ मेम्ब्रेन की क्वालिटी। यूएफ मेम्ब्रेन में होलो फाइबर यूज की गई है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ये देखिए, इसके अंदर ये होलो फाइबर्स होते हैं जिनमें से पानी पास होता है और जो इसमें गंदगी होती है वो इसी में रुक जाती है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, ये सारी ब्लॉकेज इसी में हो गई है। और ब्लॉकेज किस वजह से हुई है, डस्ट की वजह से। जो डस्ट पार्टिकल पानी में आते हैं, मड आता है, वो सभी यहाँ रुक जाता है। आपको प्योर फिल्टर पानी मिलता है, साफ पानी मिलेगा। ये इसमें से क्रॉस हो के यहाँ से निकलता है, यहाँ से जाता है पानी और इसमें से छन के एक तरह से छलनी का ही काम करता है। जैसे हम चाय छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती रह जाती है ऊपर और चाय साफ बिल्कुल नीचे रह जाती है, ऐसे ही ये काम करता है। इसमें से भी पास होके पानी, बिल्कुल साफ पानी इधर से निकलता है। तो क्वालिटी में लेक्स प्योर को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहिए।
क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करिए। तो दोस्तों अगर आपको यूज़ करना है तो आप लेक्स प्योर का, मैं रिकमेंड करूँगा कि लेक्स प्योर का फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंपनी से करेंगे पोस्ट कार्बन फिल्टर के डिटेलिंग, और इसमें आप देख सकते हैं ये एक फोम है और इसमें ग्रैनुल्स हैं, ग्रैनुल्स देखिए, ग्रैनुल्स के अंदर भी शायद कुछ और है। ये देखिए अब इसके अंदर एक फिल्टर और मिला है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। ये क्या होता है प्रोसेस, इसमें पहले ग्रैनुल से पानी क्रॉस हो के और तब इस फिल्टर के अंदर से जाके तब ये पास आउट होता है। बाकी क्वालिटी में बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मुझे, अदर ब्रांड्स में एक्वागार्ड वगैरह में भी यही क्वालिटी यूज़ हो रही है। तो दोस्तों मुझे लेक्स प्योर के फ़िल्टर बहुत अच्छे लगे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए बनाई है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, बाय।